गाइस, जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आईसीएसई की हमारे जो टाइम टेबल है वो रिलीज़ हो चुका है। 1 दिसंबर में ये रिलीज़ हुआ था। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं इसको डिस्कस करने में, इसे बताने में। तो जो हमारे एग्ज़ाम है वो 25 से स्टार्ट होने वाले हैं। देखो, यहाँ पर जो टाइम टेबल में जो इंस्ट्रक्शन गिवन किए हैं आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, एडवाइस है। किसके लिए? कैंडिडेट्स के लिए, जिसको अच्छे से रीड करना है। इसके बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियोस अपलोड कर देंगे। एक सेपरेट वीडियो में हम इसके बारे में जो आपको बताना है कैसे एग्ज़ाम पर सेंटर पर आपको प्रेजेंट रहना है, किस तरीके से एंट्री वगैरह फिल करनी है, जो आपकी कॉपी होती है, आंसर बुकलेट होती है, उसको कैसे फिल करना है, एंट्रीज वगैरह कैसे करनी है आपको, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो आज हम यहाँ पर इसके किस पर बात करने वाले हैं, इनके टाइम टेबल पर बात करने वाले हैं कि किस किस डेट में कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है हमारा। तो ये सभी काफ़ी इंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी लंबा दिया है हमें। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमारा टाइम टेबल स्टार्ट होता है, ये रहा हमारा लास्ट डेट वगैरह, फिर हमारा फिफ्थ, ये आ गया हमारा लास्ट पेज पर ही हमारा क्या दिया है, ये टाइम टेबल की जो डेट्स है हमारी वो दी है, हमारे जो डेट शीट है। ओके, तो डेट शीट में हमारा क्या है, 27 फेब को हमारा इंग्लिश फर्स्ट है हमारा, और आपका ड्यूरेशन जो होने वाला है, ड्यूरेशन 2 आवर्स होने वाला है। फिर हमारा लिटरेचर हो गया सेकंड वाला, जो सेकंड होती है हमारी इंग्लिश 2 होती है, वो हमारा 1 मार्च को है। फिर 3 मार्च में कमर्शियल स्टडीज़, जिसके पास है, मतलब ये हमारे कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, वो हैं इस तरीके के। और फिर हमारा ये हिस्ट्री सिविक्स सभी के पास होता ही है, मैथमेटिक्स, तो जो हमारा फोकस रहेगा वो मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स है, हम अपने चैनल पर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो ये 10 मार्च में हमारा, तो ये देखो अब आपका टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, अब बिल्कुल कम टाइम बचा है आपके पास। अब आपको फाइनल जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो बना लेनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो उस पर रिलेटेड वीडियोस हम आपको अपलोड करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की होगी, उन्होंने अभी भी स्टार्ट ही नहीं किया होगा, तो उनको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी हम रिवीजन वीडियोस लेके आएंगे, बस आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। तो बस प्रैक्टिस आपके ऊपर है कि आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उन वीडियोस की जो हम अपलोड करेंगे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको, अगर आपने वो अच्छे से किए ना, तो आप डेफिनेटली 50 से 60% तो ईजिली गेट कर ही सकते हो। ओके, वरना अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो आपके तो 90+ कन्फर्म ही है। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये आ गया हमारा फिजिक्स का जो पेपर है, 17 मार्च को है। तो बच्चों का फोकस ज़्यादातर एग्जाम्स में, मतलब जो पेपर होते हैं हमारे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इन पर रहता है। तो 17 मार्च में हमारा क्या है, ये फिजिक्स का है एग्ज़ाम है हमारा। फिर 20 मार्च में ये हो गया हमारा केमिस्ट्री, 20 मार्च है हमारा ये केमिस्ट्री। ओके, एंड सो ऑन, ये सभी आपके एग्ज़ाम है। और फाइनल जो हमारा है, लास्ट एग्ज़ाम है बायोलॉजी, ये 29 मार्च। ओके, 29 मार्च को ये हमारा लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसमें देखो कुछ इंस्ट्रक्शन नीचे भी बताया गया है कि इन एडिशन टू द टाइम इंडिकेटेड ऑन द टाइम टेबल फॉर राइटिंग द पेपर, 15 मिनट टाइम इज गिवन फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट एट 10:45 AM टू एनेबल दैम टू स्टार्ट राइटिंग एट 11 AM। तो इसमें बताया गया है कि आपको कि 15 मिनट रीडिंग के लिए मिलेंगे आपको, जो एग्ज़ाम जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको 10:45 पर मिल जाएगा। इसलिए ही आपको हमेशा 10:30 तक क्या होना है, प्रेजेंट हो जाना है अपने सेंटर पर। 10:30 पर आपको सेंटर पर प्रेजेंट हो जाना है। तो कम से कम आप 10 जो गेट होता है हमारा, एग्ज़ाम सेंटर गेट होता है, उस पर 10 AM तक प्रेजेंट हो जाना। ओके, आप ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, कि आप जो भी रिवीजन थोड़ा बहुत करना है वहीं पर कर लेना, क्योंकि अगर लेट हो गए आप, इसमें बताया भी गया है इंस्ट्रक्शन में कि अगर आप हाफ आवर से ज़्यादा लेट हो जाते हो तो आपको एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं पर बात करेंगे। ओके, तो ये जो PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप यहाँ से तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो। देखो, सभी एग्ज़ाम आपको अच्छे से यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। ओके, तो ये हमारी जो टाइम टेबल था, डेट शीट था, ये थी हमारी। तो बस अब अपने प्रिपरेशन करने लगो, आप स्टार्ट कर दो, नहा धोकर पीछे पड़ जाओ अब अपने एग्ज़ाम के। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।